लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देहो यो नाम प्रचोदयात्। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकता है तो जम जाता है। ये जुल्म हम क्यों सहते हैं? ये खून कब तक बहेगा? कब तक हम अपने घरों के आंगन में खड़े होकर दूसरों के घरों के जलने का तमाशा देखेंगे? कब तक? तू ईश्वरदास की मिल में हड़ताल करेगा, बड़ा लीडर बनता है, गरीबों का बसी। मास्टर जी ये सब क्या हो गया? मास्टर जी ये तो हो नहीं था, ये हमारी पहली जीत है जुल्म के खिलाफ। अब तुझे लड़ना होगा, अब तुझे लड़ना होगा। किसने किया ये खून? किसी ने कुछ देखा? इन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, क्योंकि आंखों से अंधे और कानों से बहरे। मैं बताता हूं आपको, अगर आप में हिम्मत है तो इंसाफ दिलाइए हमें। मास्टर गंगाराम के खूनियों को सजाए मौत मिलनी चाहिए, नहीं तो ये पुलिस की वर्दी उतार दीजिए, बंद कर दीजिए ये अदालतें। अगर आप गवाही देना चाहते हैं तो इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। सुनिए, आप नहीं जाएंगे। देखो लक्ष्मी, जुल्म की कभी कोई इंतहा नहीं होती, ये बढ़ता ही जाता है जब तक इसके खिलाफ कोई आवाज न उठाए। आप अकेले ही सबका भला करेंगे? आप अकेले क्या कर सकते हैं? कौन सुनेगा आपकी? अंधेरी रात का जुगनू रास्ता नहीं दिखला सकता, मगर यह एहसास तो दिला सकता है कि रोशनी है। इसे क्या हुआ? जब भी आप ऊंची आवाज में बोलते हैं ना, तो इसे लगता है कि आप डांट रहे हैं। बेटे, अभी जो मैं कह रहा था शायद तुझे याद न रहे, पर एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, ऊंची आवाज से डरना मत। अगर तू डर गया तो मैं मर जाऊंगा। बेटा तू यही रहना, सुनिए। इसके बाद ये मोहल्ला सचमुच गूंगा, बहरा और अंधा हो गया, और ये घर अपने वजूद की रक्षा के लिए संघर्ष करने लगा। और जब संघर्ष खून पसीने से कोई कहानी लिखता है तो वो बेजान नहीं, शानदार होती है।
अरे तोलता क्या है, पूरा 20 किलो है 20 किलो। अरे भैया तुमको कैसे पता चला कि पूरे 20 किलो है? मुझे अपने जिस्म के पसीने के बोझ से मालूम पड़ जाता है कि लकड़ी का बोझ क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाय लागू पंडित जी। कादर भाई सलाम। दिन सत्यानाश कर दिया। बेटा हम सामान तराजू पे तौलते हैं, मगर ये इंसानों को तौलने वाले लोग, इनकी बातों को बुरा मत मानो। चाचा ये लकड़ियां कटती हैं, जलती हैं, फिर इनकी राख भी उड़ा दी जाती है, लेकिन ये बुरा नहीं मानती। बेटे देख, देख बेटे, आज ये तेरे 150 रुपए पूरे हो गए। पता नहीं चाचा मेरा सपना कब पूरा होगा। कौन सा सपना बेटा? बचपन से तो मेरा एक ही सपना है चाचा, मेरा भाई। जानते हो चाचा, मैं उसे अंग्रेजी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन मेरा भाई साहब बनकर आएगा ना, ये लोग जो आज मुझे सलाम नहीं करते, मेरे भाई को झुक झुक कर सलाम करेंगे। मुझे लगेगा वो लोग मुझे सलाम कर रहे हैं। उस दिन मैं समझूंगा ये शंकर लकड़ हारा, लकड़ी काट कर हारा नहीं, जीत गया चाचा। बेटा तेरा सपना जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा बेटा। नेक नियति और दयानतदारी से की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, ये अल्लाह का वादा है। अरे शंकर बेटा। अरे पाए लगू माई, पाए लगू। जीते रहो बेटा, बहुत लंबी उम्र दे भगवान तुम्हें, सदा सुखी रहो। माई एक तू ही है जो मुझे ढेर सारे आशीर्वाद देती है, नहीं तो यहाँ तक लोग मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देते। लगता है तेरा मेरा कोई पुराना रिश्ता है। हाँ बेटा है, गरीबी का, दुख दर्द का। तू ये रिश्ता भूलना मत, जब मैं मर जाऊ ना तब मेरी चिता को आग तू ही देना। अरे माई तू कैसी बातें कर रही है, तुझे तो अभी 100 बरस और जीना है। तुझसे मुझे अभी ना ढेर सारे आशीर्वाद और दुआएं लेनी है। और तू अपनी बेटी की शादी तो क्या, उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, बस 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 बेटा, ले प्रसाद ले। अच्छा माई प्रिया, अशोक, अशोक के लिए माँ और भाई का आशीर्वाद। तू चिंता नहीं करना, पैसे भेज दिए हैं। परीक्षा खत्म होते ही तू सीधा घर आ जाना, सिर्फ हम ही नहीं सारे मोहल्ले वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। जानता है भाई हमने तो बड़े शान से कह दिया है, आज तुम लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते ना, एक दिन जब मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बनकर आएगा ना, फिर तुम लोग मेरे सलाम का झुक झुक कर जवाब दोगे। अपना ख्याल रखना, तेरा भाई शंकर। भाई मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी शान को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इतना अमीर कि छोटे मोटे अमीर भी मेरे सामने आकर अपने आप को गरीब महसूस करेंगे। जय श्री गणेश। सुबह सुबह आत्महत्या। अरे अरे
क्या कर रहे हो? पानी निकाल रहा हूँ। अरे अरे क्या रानी, तेरा बाप तो तेरे लिए इतना बड़ा ट्रक छोड़कर गया है, तुझे आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? आत्महत्या? आत्महत्या कौन कर रहा था? मैं तो ऊपर से नहाने के लिए कूदी थी। ऊपर से नहाने के लिए कूदी? क्यों? अमीर लोग जब भी ऊपर से स्विमिंग पूल में कूदी मारते हैं तो उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, गरीब जब भी ऊपर से नीचे कूदी मारे तो बस आत्महत्या। अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था। अगर तुझे नहाना ही था तो नीचे आके क्यों नहीं नहाती? नीचे से ऊपर जाती, ऊपर से नीचे आती, तुम्हें क्या तकलीफ अगर मैं ऊपर से ही कूदी मारू तो? अरे नहीं नहीं, मारो मारो, शौक से मारो, रोज कूदी मारो, क्योंकि तुम्हारे घर में नल वल तो है नहीं ना? नल घर में भी है और मोहल्ले में भी। पानी कभी आता है क्या? चार घंटे लाइन में खड़े रहो तो आधी बाल्टी पानी मिलती है। मालूम नहीं है तो खुद लाइन में खड़े होकर देख लेना। अरे लाइन में ही खड़ा होना है तो पानी के लिए क्यों, तेरे लिए क्यों ना खड़ा हो जाऊं? सुबह सुबह ज्यादा शान पट्टी मत करा, जा अपना काम देख, काम कर काम। हिमाचल प्रदेश के बस हादसे में मरने वालों की तादाद 55 हो गई। भोपाल में जहरीली गैस लीक हो जाने पर 2 लाख आदमियों की मौत हो गई। त्रिपुरा के अस्पताल में बच्चे के पेट में बच्चा। यानी फैमिली प्लानिंग के मुंह पे तमाचा। लाइट जमकर तू इससे अच्छी को खबर नहीं सुना सकता है, जैसे कि जापान में भोपाल आने की वजह से जापान में भौचाल आने की वजह से पूरा शहर का शहर जमीन में धस गया। मैं नहीं पढ़ता ये अखबार, ये अखबार लगता है आज का दिन बहुत खराब है। दिन खराब नहीं है, तेरी अकल खराब है। आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि दारा और उसका भाई मिलने के लिए हमसे यहाँ आ रहे हैं। आइए दारा साहब। ये आप उनका भाई है राणा। बैठिए और सुनाइए कैसे चल रहा है कारोबार? यार तुम भूल गया ना बादशाह, आप उनको बुलाया था, काम क्या है? और हम गरीबों को क्या काम हो सकता है, वही इलेक्शन। मगर ये इलेक्शन हमें किसी भी हालत में जीतना है चादर ओढ़ के। कौन से इलाके से खड़ा हो रहा है? वही अपना पुराना इलाका पालीना का, चादर ओढ़ के। चाहे तुम चादर ओढ़ के सो या चादर उतार के, ये इलेक्शन तुम कभी नहीं जीत सकता, कभी नहीं। एक मिनट, मैं ये इलेक्शन क्यों नहीं जीत सकता? पिछला 5 इलेक्शन से तुम उधर जाके क्या किया? सिर्फ वादा बांटा ना। उधर का लोग तुम्हारा शक्ल से नफरत करता, तुमसे नफरत करता, तुम्हारे नाम से नफरत करता। बोला भटका फिर उधर गया ना, खोपड़ी पर जूता पड़ेगा। आपके कपड़े फाड़ कर आपको नंगा भी किया जा सकता है। इस जमीन का कलेजा फट जाए या आसमान टूट के जमीन पे गिर जाए, मैं ये इलेक्शन जीत कर रहूंगा और किसी भी कीमत पर जीत के रहूंगा। और उसको जीतने के लिए मैं दुनिया की कोई भी कीमत अदा कर सकता हूँ। अब बाद में नमक आया ना बाप, अब ये इलेक्शन समझो तुम जीत गया, दूसरा और कोई नहीं जीत सकता है क्या? मगर सवाल ये होता है कि कैसे जीतेंगे? मोहब्बत हो या जंग, दो ही चीजें जिता सकती है, एक रोकड़ा और दूसरा डंडा। तो दौलत मेरी और डंडा अपन का। अपन कल ही अपने साथियों के साथ जाकर उस बस्ती में बस जाएगा और वहां के बच्चे बूढ़े औरत मर्द सबके दिमाग में अपन ऐसा दहशत बिठा देगा कि इलेक्शन के दिन अपन का ये डंडा जिधर घूमेगा ना उधर ही उनका वोट भी घूमेगा, नहीं तो अपन उस बस्ती को जलाकर राख कर देगा। चाची खाली बाटली है क्या? अरे नहीं रे, खाली बाटली किधर से लाऊं? हाँ कैसे होगी, अरे चाची चाचा को बोल घर में दारू पिएगा, घर में पिएगा तो तू दारू की बाटली मुझे दे देना। क्या खाली डब्बा? ए खाली डब्बे वाली लड़की, हम इलेक्शन की लिस्ट बना रहे हैं, तेरा नाम क्या है? हाँ लिखो तुलसी। बाप का नाम? मेरा बाप तो सारा मोहल्ला है। तो तेरी माँ मर गई हो? ए जाती शान पट्टी नको, हाँ दिखता नहीं क्या तेरे को? ये सब मेरी माँ है, फुटपाथ पे मिली थी मैं इनको, जिन्होंने मेरे को बाल पोस के बड़ा किया, समझा? खाली डब्बा।
दिखता नहीं क्या रे? ए, जाती लाइटा ने मारने का खुद तो धक्का मारा, खुद ही चढ़ के बोलता है। ए, खुद तो खाली बोतल की तरह टन टन आती फिरती है और बोलती है कि मैंने धक्का मारा। तो क्या मैंने धक्का मारा? अरे मैं धक्का मारूंगी तो किसी राजा भोज को, तेरा जैसे गंगवा तेली को तोड़ी, रास्ते में 36 मिलते। तूने मेरे को गंगवा तेली बोला? हाँ, और ये शुक्र मना मैंने तेरे को गदार बैल नहीं बोला, गंगवा तेली। तेरी तो गंगवा तेली मारू, देख मैं इसको फूट डालूंगा आज। अरे ठहर जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे कैसा बोलती है गंगावा तेली, तेरे बदन का तेल नहीं निकाला तो राजा बहुत चाहिए। ए, गंगवा तेली? अरे बोलती है गंगवा तेली। ए, तू फिर ये कौन है? अरे ये सर तू, मैं तेरा गला दबा दूंगी। एक मिनट, एक मिनट, मुझसे गलती हो गई, मैं समझा वो निकली तू। क्या? ए, नहीं नहीं क्या है, मैं तेरा मालिश ही किया है ना। मालिश? लगता है तुझे बदन पे मालिश करने की खूब आदत पड़ गई है। आज मैं तेरी ये आदत हमेशा के लिए छुड़ा कर रखती हूँ। और ये बदन पे मालिश और जूतों की बारिश क्या काफी मिला? अरे चाचा मुझे बचा। चाचा हट जाओ सामने से, मैं और जूते नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं छोड़ेगी? क्या जुर्म किया? अरे चाचा क्या है, मैंने इसके बदन की दो चार बार मालिश कर दी। तो फिर तुम इसकी मालिश कर दो, दो तीन बार। मैं ले जाऊं तेरी तो? अरे ना ना ना, पत्थर से नहीं, पत्थर से नहीं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अपन वो है जिसे देख के मौत भी खड़ी होकर सलाम करती है क्या? आगे से अपन को देख के तू खड़ा नहीं हुआ ना तो तेरे को इसी कढ़ाई के बीच में बिठा कर तल देंगे क्या? है मन का शकल देखे ठीक तरह, हर शनिवार को मन का तेरे पास आएगा। पहले अदब से खड़ा होना, सलाम करना और उसके बाद 200 रुपए दे देना। 200 रुपए? 200 रुपए किस बात के? हफ्ता भर तू जो सांस लेगा उसकी कीमत क्या? दे दूंगा भाई बाप, दे दूंगा बाप। ये क्या तुम्हारी आती है? ये तेरे को आदमी नजर आता है क्या? मुर्दा घाट के कुत्ते हैं कुत्ते। अरे मैं नहीं जानता, होटल का बिल है 20 रुपए बताता था, छुट्टा बनता छुट्टा। छुट्टा नहीं, हम हमेशा पूरा पैसा देते। सोच ले, सिंगल रहना है या डबल? 20 रुपए 50 पैसे नहीं, 250 रुपए दे देना वरना। दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा साहब, दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। इस मोहल्ले के 98 और 94 तो सब मिल गए पर तू 91 कहाँ रह गया था? अब एक काम करना मुन्ना, कल जब घर से आना तो 150 रुपया लेकर आना। लेकिन 150 रुपया किस लिए? तेरे को मालूम नहीं है क्या, अपन इस मोहल्ले के अंदर एक दारू का भट्टी खोले लाए, उस भट्टी में से दारू पी के जो आदमी मरेंगे ना उसके बच्चे होंगे अनाथ, उन अनाथ बच्चों के लिए अपन को अनाथ आश्रम खोलने का है क्या? लेकिन ये तो सरासर जुल्म है। अबे आए, ज्यादा आवाज नहीं मांगता है क्या?
कल सवेरे तक 150 रुपए लिए नहीं आया ना, तेरे दोनों हाथ काट के फेंक देंगे। चलाट शंकर, बेटा जरा सुन, इधर आ। ये 150 रुपए है, दे दे उनको। मां, गरीबों का खून जब सांचे में ढलता है तो ये सिक्का बनता है, और जब ये सिक्का बाजार में तुलता है तो किसी गरीब के भाई को किताबें मिलती हैं, कॉलेज मिलता है, आने वाले सुनहरे कल की उम्मीदें मिलती हैं। मैं ये पैसा उन्हें नहीं दूंगा मां। अशोक की पढ़ाई नहीं रुकेगी बेटा, जो घर के खर्च के लिए पैसे रखे हैं ना वो भेज देंगे। तो फिर इस घर में चूल्हा कैसे जलेगा? ये गरीब का झोपड़ा है, किसी अमीर की हवेली नहीं, जहां सिर्फ किसी के मरने के बाद ही चूल्हे का जलना बंद होता है। तो फिर समझ ले, आज से हम भी अमीर हो गए, अब इस घर में मेरे मरने के बाद ही चूल्हा जलना बंद होगा। ना शंकर, ना, ऐसा नहीं कहते बेटे, ऐसी बात पर कभी जुबान पर भी मत लाना। पता नहीं क्यों आजकल मुझे भूख भी नहीं लगती, बूढ़ी हो गई हूं ना। और देख बेटे, तू भी एक टाइम ही खाना खा लेना और एक टाइम पानी पी लेना। कहां कहां का पानी पीऊं मां, तेरी आंखों का या म्यूनिसिपलिटी का? मुझे पानी पी पी कर गुजारा करने से इनकार नहीं, लेकिन जुल्म सह सह कर जीना मेरे लिए मुश्किल है, और आज मैं वो मुश्किल आसान कर दूंगा। या तो वो जालिम जिएगा या तो मैं। नहीं शक, नहीं बेटे, मुझे जाने दे मां। नहीं बेटे, मैं कहता हूं मुझे जाने। नहीं जानता बेटा, तेरा बाप भी यही कहता था कि जुल्म सह सह कर मेरे लिए जीना मुश्किल है। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, किसी ने मेरी नहीं सुनी, किसी ने मेरी नहीं सुनी। लीडर बनने का शौक है तुझे, गवाही देगा तू। ले और ले। बचा लीजिए भाई साहब, इन्हें बचा लीजिए। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? इन्हें बचा लीजिए भाई, आप भी अब तो इन्हें बचा लीजिए ना, आप इन्हें बचा लीजिए, कुछ बोलिए। तू अधिकार की बात करती है, अरे मेरा बस चले तो मैं अपने खून के हर कतरे पर मां लिख दूं। शंकर। हां मां, तेरी कसम मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। क्यों
मुन्ना ले आया पैसा? ये पैसे मेरी माँ की मुंह की रोटियां हैं। मेरे पैसे किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है। झूठ बोलता है साला। मैं माँ के नाम के साथ जो कुछ भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ, इसलिए कि माँ का नाम मेरे लिए कसम के बराबर है। और आप उनका नाम मौत के बराबर है, जो झूठ या सच नहीं जिंदगी का फैसला करता है। क्या जाओ अपने अम्मा से जाकर पैसे ले आओ। माँ ने ही पैसे दिए थे, अब घर में भी पैसे नहीं है। अच्छा, मरने वाले मरते हैं मगर मौत की आवाज नहीं सुन पाते। सुन ली ना मौत की आवाज? ये वो डंडा है जो बदन पे पड़े तो चमड़ी फटती नहीं, दर्द हड्डियों तक घुस जाता है। अरे तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? रोको इसे! तुमने शंकर को अपनी गोद में खिलाया है, उसे बचा लो। बाबा, तुम तो शंकर को अपना बेटा कहते हो ना? कम से कम शंकर! अरे तू लड़ता क्यों नहीं? इसे लकड़ियों की तरह चीर फाड़ क्यों नहीं देता? नहीं, मैंने माँ की कसम खाई है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अच्छा अच्छा, तो तूने अम्मा की कसम खाई है हा? 20 बरस पहले तुमने अपना सुहाग खो दिया था माँ, आज अगर तुमने अपनी कसम वापस नहीं ली तो अपना बेटा खो दोगी। शंकर, मत मारो मेरे बेटे को, मैं दे दूंगी तुम्हारे पैसे। मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो। अच्छा, तो तू है वो झांसी की रानी जिसकी ये पूजा करता है? हाँ, देखा क्या है? अरे ये तेरी माँ का खून है। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। शंकर को बाइज्जत रिहा करती है और दारा को गुंडागर्दी फैलाने के जुर्म में 6 महीने की सजा बामुशक्कत देती है। अपन 6 महीने के लिए अंदर जा रहे हैं क्या? और जब तक अपन अंदर है ना, तेरा एक एक सांस गिनता रहेगा और तब गिनना बंद करेगा जब अपन जेल से बाहर आके अपने भाई के खून के बदले में तेरे और तेरे खानदान के एक एक खून गटर में बहा देगा। क्या ए, ए। जब गिदड़ की मौत आती है ना, वो शहर की तरफ भागता है। जब तेरी मौत आएगी तो मोहल्ले में आना। अब आया ना बाद में नमक, पकड़ेला है तू, अब आएगा टकराने में मजा। क्या चलो शंकर बेटा, राम राम, सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। शंकर ब्रदर सलाम। शंकर दादा सलाम। सलाम सलाम बाबू शंकर साहेब। सलाम
सलाम बाबू शंकर साहेब। सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है। तुलसी मिलने को, तुलसी मिलती थी, तुलसी मिलने को, तुलसी मिलती थी। ये दिल तरसता है, ये दिल तरसता है। सावन बरसता है, सावन बरसता है।
बरसता है, सावन बरसता है, सावन बरसता है। कौन है ये शंकर? दारा को जेल हो गई और उसके भाई राणा को मौत। कौन है ये शंकर? लकलहारा है, जंगल में रहता है। मेरा मतलब ये है कि झोपड़े में रहता है। सुना है 10 साल की उम्र में 10 मन लकड़ियां काटता था और 10 गुंडों को ढांटता था, मगर 10 पैसे गरीबों में भी बांटता था। अब वो 25 साल का हो गया है और आप जैसे तंबू के लिए बंबू हो गया है। क्या बकवास कर रहे हैं? बंबू तंबू गिराने के काम भी आता है और तंबू को उठाने के काम भी आता है। सरकार, सरकार, नई ताजी खबर लाया हूँ। शंकर जो है सारे मोहल्ले की मदद से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल रहा है। धका धक धका धक धका धक। क्या ये शंकर ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल रहा है? अल्लाह के फजल से हमारी ये छोटी सी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी एक दिन पता नहीं क्या से क्या बन जाएगी। इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहोगे ना बेटा, तो तरक्की जरूर होगी। माँ, ये चाचा का गैरेज और मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी, मेरा ट्रक। अरे बधाई हो, बधाई हो, कमाई ही कमाई हो, बेशक ग्राहकों की बिन साबुन के धुलाई हो, मगर हो। लेकिन आप कौन हो? मैं चमकन हूँ, मगर मैं चमकता नहीं हूँ, मगर ये चमक रही है। चम 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 चम। क्या मतलब, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ धक्के मार कर। बहुत बड़ी हस्ती है, चेहरे पर लानत बरसती है, मगर दुनिया उनसे मिलने को तरसती है। मगर क्या तकदीर है आपकी कि आज उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और साथ में ये फूलों का तोहफा लाया हूँ। कबूल कीजिए हमारे MLA की तरफ से तालियां। क्या ये हार MLA साहब ने खुद भेजा है? हाँ हाँ। अजीब है, उन्हें कैसे मालूम हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली है? अरे आप जब भी कुछ खोलते हैं उन्हें मालूम हो जाता है। आइए MLA साहब के कोठे की हर की बढ़िया खुल खुल कर आपका इंतजार कर रही है, बढ़ जाइए। आइए सर बचा कर आइए और इज्जत बचा कर जाइए। MLA साहब का मकान है, राजनीति की दुकान है, बड़े बड़े शेर आते हैं मगर चूजे बनकर जाते हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी लपेट के लाता हूँ। अरे मेहताब, आत्महत्या मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। अरे मेहताब, आत्महत्या मत कीजिए, ये पाप है। आत्महत्या तेरे की दादा, फिर वही गलती। अरे मेहता मारिए मारिए, कुदी मारिए, शौक से कुदी मारिए। अरे यही तो उम्र है कुदी मारने की, मारिए मारिए मारिए। एक बार धोखा खा चुका हूँ, अब दोबारा नहीं खाऊंगा। हाँ धोखा, कैसा धोखा? अरे मैं साहब क्या बताएं, सुबह सुबह का वक्त था, एक लड़की ने मारी कुदी, मैं समझा आत्महत्या। पानी से बाहर निकाला तो मिला क्या, गाली। गाली? हाँ, क्या है के वो कुदी थी नहाने के लिए आपके माफक, बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो शलवार कमीज में थी और आप। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल मैं जरा समझदार हो गया हूँ। अकलमंद साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं? अरे बस क्या बताएं, ये तो टाइम टाइम की बात है, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर किधर। फिलहाल आप इधर। अरे अरे क्या गजब करती है बेटी, शंकर जी को गालियां दे रही है, मेरा इलेक्शन डूब जाएगा। डूबने दीजिए इलेक्शन, पहले मुझे आप बाहर निकालिए। मैं इसको बाहर निकालूं? बिल्कुल। आपने हमें बुलाया किस लिए था? अरे मर गया होता तो आप काम कीजिए, तो मेरे को बाहर निकालिए ना। पापा ये मेरा हाथ है। तो मेरा किधर है? अरे हाथ बदली हो गया, दल बदली होता है, हाथ बदली हो गया। निकालो जल बिना जियो नहीं तो बिजली। और क्या मैं एक नाथ चौरसिया हूँ, ये हमारे चमकन जी मेरे सेक्रेटरी हैं। हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं, आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द और हमारी फतेह। लेकिन हमारे मुंह से एक शब्द ही निकलेगा नहीं। क्यों? क्यों
आप कहें तो आपके मोहल्ले में स्कूल का हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन लगवा दें, रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन लगवा दें। बस 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 हवाई अड्डे का पत्थर मत लगाइए। आपने इतने सारे पत्थर लगाए हैं कि लोगों को कदम कदम पर ठोकरें लग रही हैं। तो फिर बताओ ना, मैं इलेक्शन जीतने के लिए क्या करूं? देखिए साहब, हमारे मोहल्ले में ऐसा तो नहीं है, लेकिन नल है, नल से पानी भी आता है। हमारे मोहल्ले की औरतें चार चार घंटा खड़ी रहे और एक घंटा पानी आए। आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि औरतें एक घंटा खड़ी रहे और चार घंटे पानी आए? नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में है। हिंदुस्तान का भविष्य? अच्छा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते, सवाल सिर्फ एक बल्ब और उसके अंदर जलने वाली बिजली का है। क्या कह रहे हैं आप? आज भविष्य, आज बिजली, आज बल्ब। हमारे मोहल्ले में बिजली के खंभे हैं, बल्ब भी हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। और अगर बिजली नहीं आएगी तो हमारे मोहल्ले के बच्चे उस बिजली के खंभे के नीचे पड़ेंगे कैसे? इसीलिए आप हमारे मोहल्ले में बिजली ला दीजिए और देश का भला कीजिए। अच्छा, देश का भला अवश्य होगा, तुम्हारे मोहल्ले में बिजली जरूर आएगी। आप समझिए कि आप इलेक्शन जीत गए। ये तो अपशकुन है। अच्छी है तो, है तो देखे। अच्छा, झूठ बोलता तुम दोनों। वो थाली का बैंगन है, तुम्हारे जेल जाती वो शंकर से जा मिला। और बॉस, आजकल शंकर भी लीडर बन गया है। मुझे तो लगता है चौरसिया शंकर की मदद से इलेक्शन जीत जाएगा। कैसे जीत जाएगा? मिल और फैक्ट्री का इलेक्शन भी दारा की मदद के बिना नहीं होता। और ये तो असेंबली का इलेक्शन है, असेंबली का। क्या एक काम करो मानिक, बाप से जाकर मिलो। अपन का एक एहसान बाकी है उस पर, उसे जाकर सिर्फ कहना एक नाथ चौरसिया। एक नाथ चौरसिया? क्या रे, उसका एक ही बेटा है क्या? नहीं बस, उसकी एक बेटी भी है। कबूतर की औलाद, चल फुट और सुन, अपने बाप से जाके कह देना अगर कल सुबह तक इस्तीफा नहीं दिया ना तो उसकी बेटी को मार डालूंगा। चल फुट। भाई मुझे छोड़ के मत जाओ, भाई मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या वो अनीता को उठा कर ले गया? तेरी बहन को तेरे सामने उठा के ले गया? तू नालायक गधा, बदतमीज। साहब मुझे क्यों मारा? दुगना था पूछने वाला। अबे तूने पूछा नहीं कि वो क्यों उठा के ले जाए? वो बोले, बोले इलेक्शन से नाम वापस ले लो। नहीं, मैं कभी इलेक्शन से नाम वापस नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। साहब मुझे क्यों मार रहे हो? साहब तुझे सिर्फ मार खाने के लिए यहाँ पे रखा है। मेरे मेरे इलेक्शन का क्या होगा? मेरी जमीन का क्या होगा? अरे हट, बकवास करेगा तो मैं उसको थप्पड़ मार दूंगा। थप्पड़ मार देंगे तो बत्ती सीख जाएगी, बत्तीसियां बहुत महंगी हो चुकी है, दूसरी लग चुकी है। सरकार, जमीन से भी ज्यादा कुछ कीमती चीजें होती है, आपकी बेटी का क्या होगा? अरे सोचिए, पुलिस में रिपोर्ट करिए। नहीं नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं। एक काम करो, शंकर को बुलाओ, शंकर को बुलाओ। तेरा बाप तो आएगा नहीं और अपुन तेरे को छोड़ेगा नहीं। क्या मेरी बुलबुल को काटेगी और का आग के कहां जाओगी? अरे आजा रानी, छोड़ दो मुझे। यह ये नया कबूतर कौन? Thank you.
चलिए मेम साहब घर चलते हैं। मेम साहब नहीं, अनीता। मगर मैं इसमें बैठूंगी कैसे? क्यों? ओ आइए पैर रखिए। नहीं, इन हाथों ने मेरी इज्जत बचाई है, मैं इन पर पैर नहीं रख सकती। अरे मेम साहब जो हुआ उसे भूल जाइए। नहीं तो फिर आप ट्रक में बैठेंगी कैसे? तुम मुझे बिठा दो। मैं कैसे आपको उठाकर? लेकिन मेम साहब मैं आपको, मेम साहब नहीं अनीता। हाँ मेम साहब मैं, लेकिन मैं आपको अनीता। अनीता मेम साहब देखिए मैं आपको सिर्फ अनीता। अब उठाओ। वोट हम सब ने किया, पर इलेक्शन की जीत पर एमएलए साहब ने तुम्हें बुलाया? नहीं बुलाया। नहीं बुलाया ना, उन्होंने सिर्फ शंकर को बुलाया, सिर्फ शंकर को। तो फिर हम ऐसे ही वहाँ चले जाएं और हमारी बेइज्जती हो जाए तो? अरे कौन करेगा तेरी बेइज्जती मेरे होते हुए। ओहो शंकर हिलो नहीं, क्या कर रहे हो? अरे क्या हिलो नहीं, क्या हिलने से मैं चौड़ा थोड़ी हो जाऊंगा, ये कोट छोटा है। ओ तुम टेटर हो या तौलची, पागल आदमी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अगर एमएलए ने इलेक्शन जीता है तो क्या सिर्फ मेरी वजह से? तुम लोगों ने वोट दिया कि नहीं? अपन ने वोट दिया क्योंकि तू बोला इसलिए। बस तो फिर मुझे बुलाने का मतलब है सबको बुलाया है। भाई तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। इन अमीरों की महफिल में गरीबों को बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अच्छी तरह सोच लो शंकर भैया, हम सबका वहां जाना ठीक होगा। ये देख 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 देख, अगर ये बात है ना तो मैं तुम सब लोगों से वादा करता हूं, अगर हम में से किसी की भी वहां बेइज्जती हुई ना तो मैं उन अमीरों की डिंग डोंग कर दूंगा। गरीबों का मसीहा हमारा नेता चौरसिया, एक नाथ चौरसिया, एक ही चौरसिया। मैंने शंकर को अकेले बुला दे, पूरी बरात उठा ला चादर ओढ़ के। मेहमान एक हो या दस, मेहमान मेहमान होता है पापा। शंकर नमस्ते। मीम साहब नहीं अनीता। ओ हाँ ये हमारी रानी और ये तुलसी। तुम्हारी रानी? आओ शंकर। नमस्ते। नमस्ते। मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो सड़क पानी बत्ती का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हिंदुस्तान का भविष्य ठीक है, बच्चे ठीक पढ़ेंगे ना जी। साहब ये हमारे मोहल्ले की रानी और ये तुलसी। पान खाएंगे साहब? जर्दे वाला की माम 120 प्योर। नहीं नहीं वो पान से जरा मेरी जान घबराती है। कोई बात नहीं साहब जी। एक बात बोलूं क्या? मैं देखी यहाँ पे बहुत बाटली खाली होने वाली, मुझे यहाँ की एजेंसी दिलवा दीजिए, मैं 10 पैसे ज्यादा दूंगी। क्या बकवास कर रही है, रख दूंगा। मैं चमकन, चमका जी चमकन, यहाँ पे ज्यादा चला गया, ड्रिंक जूस पिला, मैं भी आया। देसी या विदेशी? क्या मतलब? मैं आइसक्रीम खाने चली। मतलब ये कि छोटा बड़ा या पटियाला? जी मैं वो पीता नहीं। अच्छा आप पिएंगी? समझ गया, जब आप नहीं पीते तो ये कैसे पिएंगी। पहले पहले मैं भी नहीं पीता था, मगर अमीरों की महफिल में होश में रहने के लिए बाद में पीने लग गया। चमकन जी, जी? इंडली कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए। समझ गया, लाया। मैं आपसे आपके शंकर को थोड़ी देर के लिए ले जा सकती हूँ? जी जरूर, आओ ना शंकर, आओ ना, तुम्हें कितने लोगों से मिलाना है। नेताजी ने तो पार्टी का चिड़ियाघर बना दिया। ये बुलबुल तो शंकर की दोस्त है। अरे यार जहाँ भूख होती है वहाँ दोस्ती नहीं होती, समझे? अरे इसने शंकर की इलेक्शन में मदद की और शंकर इसका कल्याण करने के लिए इस लाल परी को इस मंडी में ले आया। कोई ना कोई मुर्गा तो फंसा ही लेगी। Hi baby, how are you? You are looking great, huh? Hey, lovely hair you have got. You know my name is Dabs, Dabs, Dabs. प्यार से लोग मुझे टप्पू कहते हैं। मैं नेताजी का इकलौता सन हूँ, alone successor. पूरा एम्पायर मेरा है, मैं तुमको पैसा देना मांगता, पैसा, पूरा पैसा देना मांगता, पैसा। और ये शंकर भैया, वो रानी तो जा रही है। रानी, कहाँ जा रही हो? नरक में। ये स्वर्ग तुम्ही को मुबारक हो, जाओ और जाके मजे लूटो। अगर मजे ही लूटने होते तो अकेले नहीं आता।
अच्छा होता जो अकेले आए होते। हम गरीबों की हंसी तो नहीं उड़ाई जाती, हमें बेइज्जत तो नहीं किया जाता। किसने किया तुम्हें बेइज्जत? कौन है वो इज्जतदार? किस किस का नाम लूं? यहाँ तो सभी इज्जतदार हैं, क्योंकि सबके पास दौलत है, दौलत। धनी, अगर अपनी कुल्हाड़ी की धार को मैं लकड़ियों की बजाय आदमियों की गर्दन पर रख दूं, तो हमारे पास भी दौलत की टिंग डोंग हो जाएगी। लेकिन इससे हम इज्जतदार तो नहीं बन जाएंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं सुना। रानी, बेवकूफ मत बनो, अपने आप को तमाशा क्यों बना रही हो? तमाशा तो बन चुके हम, अब बचा ही क्या है? रानी, अगर हम तमाशा बन सकते हैं तो तमाशा बना भी सकते हैं। बहुत तमाशा देख चुकी मैं, जो सुनना था सुन लिया, अब कुछ नहीं सुनना। गंगा नहा लिया हमने। चल दिए जरा देख तो लो, ये है अमीरों की महफिल। इनकी पहचान है ये सिक्का, इनका ईमान है ये सिक्का, इनका भगवान है ये सिक्का। सिक्का है यार अमीरों का, सिक्का है प्यार अमीरों का, इन गोल गोल सिक्कों में दौलत क्या कीमत यहाँ चुकाती है।
चौरसिया बोल रहा हूं। मुबारक हो एमएलए साहब, तुम इलेक्शन जीत गया और अपन जेल से बाहर निकल आया। तुम्हारी मौत तुम्हारे घर के सामने खड़े लाए क्या? ड्राइवर गाड़ी निकालो। जनता का चुना हुआ एमएलए, आप उनके गरीब खाने में, तुमको तो पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था बाप। अपना तो यही पुलिस स्टेशन है, ये दारा साहब अपना साफ है, वो पुलिस स्टेशन तो गुंडे मवालियों का, अपने जैसे शरीफ आदमी को थोड़ी शरीफ आदमी है यार दारा, हम लोग देखी थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ये रहे चट्टे, ये रहे बट्टे, बाकी सब लट्टे। ले बुजुर्गों ने कहा है कि मिलजुल के रहना चाहिए, झगड़े में बड़ा नुकसान है, एकता में बड़ा बल है। एकता तो तुमने शंकर के साथ कर रखी है। नहीं कर रखी थी, अब है थोड़ी। वो तो क्या इलेक्शन सर पे आ गए थे, तुम जेल में थे, मरता क्या ना करता मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली। पर शंकर अपन का दुश्मन है। तुम्हारा ही नहीं मेरा भी दुश्मन है, वो तो मजबूर मैंने गधे को बाप बना लिया, वरना जमाने में दारा और चौरसिया की दोस्ती तो मशहूर है। ये समझ लो कि तुम दा हो, मैं रा हूं, मैं चौ हूं, तुम रसिया हो। मिला इसी बात का। शाबाश, अब आया ना बाद में नमक। अरे माजी 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 माजी, अरे आप ये क्या कर रही हैं? आपने सुना नहीं ऑल इंडिया रेडियो पे आया था आपका बेटा आया, बेटा और गंगवा तेली क्यों सोहेला है? ए गंगवा तेली किसको बोला? शंकर शंकर शंकर, तेरा भाई आ गया, तेरा भाई। अरे माजी कितना सा था, कितना लंबा हो गया है, कितना। अरे वाह, तू तो बड़ा सजीला चबीला बांका नौजवान हो गया। तू कौन है? तुलसी, तुलसी। वो छोटी सी तुलसी? हाँ याद है, गोटी खेला करते थे गली में। अरे तेरी तो नाक बहती थी, तेरी पिटाई करती थी। भैया भाई, भैया अशोक, अशोक बेटा। माँ कैसी हो? अच्छे माँ। अच्छी हूँ बेटा, तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। चल मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ भाई, बहुत ही कीमती तोहफा। क्या लाया? इसमें तुम्हारे मेहनत की तस्वीर है भाई। अरे ये तो तेरे कॉलेज की डिग्री है, मुझे क्यों दे रहा है? अपने पास रहा? नहीं भैया ये तुम्हारी है, इस पर मेरा नाम जरूर लिखा भैया, मगर इसके असली हकदार तुम हो। भैया डाली पे जो भी फूल खिलते हैं उस पर अधिकार मालिक का ही होता है। मालिक का नहीं, मिट्टी का होता है, जिसका खून सभी की रगों में दौड़ता है। हमारी रगों में मां का खून दौड़ रहा है, इसलिए इसकी असली हकदार मां है। मां, चल इसे मां को दे दे। ले मुंह मीठा कर ले। माँ अब देखना इस घर की जगह अपना एक बंगला होगा, अपनी एक कार होगी, और मैं तुम्हारे और माँ के लिए दौलत के अंबार लगा दूंगा। अरे पगले, तुझे किसने कहा कि हमें इतनी सारी दौलत चाहिए? हमारे लिए तो दौलत तू है तू। हाँ बेटा अब तू आ गया है ना, बस मैं दुनिया की सबसे अमीर माँ हो गई हूँ। अब
अब आया ना बात में नवाज। मारना चाहते हैं तो मारिए। आप उन मारना चाहेंगे ना, तुम रोक नहीं सकेंगे क्या? अगर यह चैलेंज है तो आप मारो, मैं रोकता हूं। जानता है फुटबॉल के खेल में सबसे ज्यादा तकलीफ कब होता है? जब अपना ही खिलाड़ी अपनी तरफ गोल मार दे। क्या सोच रहा है? यही कि ऊंची बड़ी सीमेंट की बिल्डिंगों में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बना सकता हूं। कैसे? तेरे पास अलाउद्दीन का चिराग है क्या? अलाउद्दीन का चिराग नहीं, ये है ये, और इसका सबूत है ये बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। पहाड़ के फ्रेंक देश ऐसे कागज के टुकड़े रद्दी के भाव में भी नहीं बिकता आजकल क्या? एक बात और अपनी खोपड़ी में डाल ले, हर दौलत के पीछे कोई ना कोई जुर्म होता है, और जब तक जुर्म नहीं करता ना कोई लखपति बनता है ना करोड़पति। हाँ, झोपड़पति जरूर बना सकता है क्या? एक मिनट बोल। मैं एक महीने में दो नहीं 5 लाख रुपया कमाना चाहता हूँ। सिर्फ 5 लाख काफी है अपनी माँ अपने भाई को गरीबी के दलदल से निकाल कर सुख और आराम से जीने के लिए काफी। अब आया ना बाद में नमक, तो अपना ही चिस्टाल का आदमी है, आ जा चल। अरे भाई मेरे पास तो एक टूटा फूटा ट्रक है। अरे भाई रेशम कंपनी के पास भी पहले एक ही ट्रक था, अब उसके पास 2000 ट्रक हैं। 2000? हाँ माँ, दिनेश पटेल वो पहले ड्राइवर था, अब उसके पास 500 ट्रक हैं भाई। 500? भाई अगर आप मुझे ट्रक की चाबी दे दें तो मैं एक ही साल में इस कंपनी को क्या से क्या बना दूं, और फिर हम सब एक अच्छी शराफत की जिंदगी गुजारेंगे। माँ ये ले। रोको हवलदार, तलाशी लो। अरे अरे इंस्पेक्टर, ये तो अपने शंकर का ट्रक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं शंकर का छोटा भाई हूं, इसे जाने दो। पहले क्यों नहीं कहा? ठीक है जाओ। दबा रही हूँ।
कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे? अरे अबे तू तो ऐसे दबा रही है जैसे 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 देख तुझे अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा तो लग रहा है लेकिन तो दबाने दे ना, तू आराम से लेते रहे।
यानी खुला खुला भाई जो काम कर रहे हो करो मगर अंदर जाके। ओ क्या है चौधरी कि मैं इस तरह से मुझे मालूम है मियां इश्क तो हमारे जमाने में होता था कि यार के दीदार हुए दरीचे और खिड़की से उंगली तक न छुई ये बात अलग है कि बच्चे हो जाते थे। दादा सेठ हाँ आ गया तू हाँ शाबाश अरे अरे वाह दारा शेठ तूने तो अशोक की लाइफ बनाई। अब आया ना बात ना नमक अपने भाई की मौत की कसम मैं अब तेरे ही भाई को तेरी मौत बना दूंगा शंकर। ये माल हाँ उस ट्रक में चलो जल्दी चलो जल्दी करो कम ऑन क्या इसीलिए तूने मुझसे चाक मांगा था क्या यही है शराफत की जिंदगी जिसे तूने जीने का वादा किया था। अब अच्छा यही होगा कि ना मैं कुछ बोलूं और ना आप कुछ बोलें। बेजान लकड़ी भी कटती है ना तो चटकने की आवाज निकल जाती है और मुझ में तो जान है मैं तेरा भाई हूं मैं कैसे चुप हो जाऊं। आप समझते क्यों नहीं है भैया मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना देखा है और वो है रुपया। दो चार रुपये नहीं रुपयों की बारिश नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें रोटी के एक एक टुकड़े के लिए सोचना पड़ता है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी सोच जो गरीबी की कोख से जन्मी हो। अब उसे सोचने से नफरत हो गई है भैया क्योंकि मैं मान गया हूं कि दुनिया एक महाभारत है जहां जीतना ही धर्म है और मुझे किसी भी कीमत में जीतना है। जीत कर क्या करेगा तू हां एक दिन अपने ही सपनों की लाशें बिखरी हुई नजर आएंगी। हां हवा में खुशबू तो बसा लोगे लेकिन जीने को जी नहीं चाहेगा अपने आप से नफरत हो जाएगी। भाई ये दुनिया महाभारत नहीं रामायण है। रामायण जहां तय करने वाले आदमी देर या सवेर वही गद्दी पर बैठता है। देख अशोक तेरा ये मजदूर भाई तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करता है। चल भाई घर चलते हैं। नफरत है मुझे उस घर से नफरत। वो घर नहीं मरघट है मरघट जहां सिंदा लाशें रहती है। उस घर में मां रहती है मां। भाई हाथ मत उठा। हाथ नहीं चलाना क्या ये आप उनका दोस्त है और ये मेरा खून है खून। अब आया ना बात में नमक। चल अशोक घर चले। भाई भाई रुक जा भाई भाई देख ये आदमी आदमी नहीं है शैतान है ये तुझे बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। मेरी बात मान ले भाई घर चल। बहुत अच्छा खेला है कहां झोपड़पट्टी में पड़ा रहेगा। शंकर तू इस वक्त? हाँ मैं इस वक्त क्योंकि यही वो वक्त है जब आपने कहा था कि नेक नियति और दयानतदारी से की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती ये अल्लाह का वादा है लेकिन ये सब झूठ है।
ये अल्लाह का वादा नहीं, ये इंसान की बनाई हुई बातें हैं, जिनका इस दुनिया में कोई वजूद नहीं, कोई कीमत नहीं। कीमत है तो सिर्फ सोने और चांदी की। लेकिन बेटा, सोना हो या चांदी, उसे तोलने का तराजू लोहे या पीतल ही का होता है। इसी तरह दुनिया के हर चीज इंसानियत के तराजू पे तौली जाती है। इंसानियत का तराजू, इसी इंसानियत के तराजू के एक तरफ दुनिया की ईमानदारी, शराफत, नेक नियति समेट कर रख दो और दूसरी तरफ एक सिक्का फेंको। सिक्का गिरते ही जमीन से लग जाएगा और दुनिया की शराफत, नेक नियति, ईमानदारी हवा में झूलती नजर आएगी। चाचा, अगर इस धरती पर भगवान भी आ जाए ना, शायद वो भी बिक जाएगा जिस तरह मेरा भाई बिक गया। अब आप ही बताओ चाचा, मैं मां से जाकर क्या कहूंगा कि उसका जवान बेटा चंद सिक्कों की खातिर हम सबको छोड़कर चला गया। हम सबको छोड़कर चला गया चाचा, हम सबको छोड़कर चला गया। नहीं शंकर, नहीं। नेक नियति और दयानदारी से की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। यह अल्लाह का वादा है जो उसने आज पूरा कर दिया। अरे एक अशोक अगर चला भी गया तो क्या, जरा नजर तो उठा। तेरे जिस्म के पसीने से जितने कतरे टपके हैं, उतने ही अशोक, उतने ही तेरे चाहने वाले यहां मौजूद हैं। क्या कर रही है? नहा रही। अरे दिखाई नहीं देता, बरसात में भीग रही हूँ और अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। तू नहीं बदलेगी। अरे ये गाड़ी तेरे पास कहाँ से आई? तेरी है क्या? ये भी मेरी है और बंगला भी है। बंगला तेरा अपना? चल दिखाता हूँ, आजा। आ जाऊँ क्या? साला आज तो किस्मत खुल गई अपनी। सारी जिंदगी ट्रेन, बस, रिक्शा या वो तेरे भाई का सड़ा हुआ ट्रक, उसी में बैठी, गाड़ी में कभी नहीं बैठी। आ जाओ क्या? आ जा, आ जा। मेरे डब्बे, अरे मेरे प्यारे डब्बे। हाँ, बाप रे बाप, क्या बात है। अरे इसे क्यों उतार दिया? पहन लो। नहीं नहीं, फर्श गंदा हो जाएगा। ये लंबा सोफा, अरे ये तो बहुत नरम है, बैठ जाऊं क्या? अरे वाह क्या बात है, ये सब बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने सपने में देखा था। उई, एक और सोफा, अरे क्या कमाल है। आहा। अरे पहले जाके कपड़े बदल ले, नहीं तो बीमार हो जाएगी। लेकिन मेरे पास तो दूसरे कपड़े हैं नहीं, पहनूंगी क्या? बाथरूम में तौलिया हैं, पहन लेना। अरे वाह इतना बड़ा, इतनी बड़ी तो अपनी खोली भी नहीं है। अरे जल्दी करना। खोली नहीं, ढक्कन खोला है मैंने, ढक्कन। साला ये कौन सा ढक्कन है? आजा। कमाल का ढक्कन है, माया जाने के लिए नहीं। अरे आजा आजा, ये ले। देखो माई दारू नहीं पीती। अरे पगली, ये दारू नहीं, इम्पोर्टेड सोडा है। इम्पोर्टेड सोडा? सोडा हाँ, अपने इंडियन सोडा में थोड़ा पानी रहता है, मगर इस पानी के साथ साथ थोड़ा खट्टा भी है, थोड़ा मीठा भी, और थोड़ा नमकीन भी है, जैसे कि तू। अब तू भी तो शुद्ध घी के डब्बे की तरह चिकना चिकना है। अच्छा है। बहुत बढ़िया है, थोड़ा और देना। अरे लेना। Thank you.
तू जो यार बने, तेरा प्यार मिले,
क्या मुसीबत है शंकर बेटा? तुम तो कह रहे थे कि सुबह शाम पानी मिलेगा, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही नल में पानी सूख गया और घर में एक बूंद पानी नहीं है। शंकर भैया, बत्ती सड़क तो भूल जाओ, मैं 5 दिन से नहाया नहीं। क्या बात है चाचा, अब एमएलए साहब से क्यों नहीं मिले? अरे मियां, पिछले 15 दिनों से रोज एमएलए साहब से मिलने जा रहा हूं, मगर मिलते ही नहीं। सिर्फ उनके सेक्रेटरी साहब मिलते हैं, हजरत चमकन, और हर रोज यही कहते हैं कि आज तुम्हारी अर्जी पर गौर करेंगे। अच्छा, तो गौर करेंगे हा? तो हम कुछ और करेंगे। चलो मेरे साथ। हाँ, चलो चलो चल के देखते हैं। चलो आओ, जाओ, जो मर्जी करो। नहाना चाहिए। ओ ये क्या है? अरे सेठ जी, कितनी अच्छी बावड़ी आपकी। बावड़ी? ये बावड़ी है? हम कल फिर आ जाए। हमारे बाप का माल है क्या? अरे सेठ जी, हम जरूर आएंगे। तुम्हारे ही घर है। इसका घर है? नहीं नहीं, आपका घर है। ये क्या है? ये बच्चा है। ये कहाँ से है? आप में से आया? अरे नहीं, उनमें से आया। बहुत दिनों बाद घर में आबादी आई है। ये आबादी है? निकल, निकल। आबादी की बर्बादी कर दी। अबे ओ गंजे, अबे ओ गंजे, गंजा भी है, झुमका भी है। अबे ओ गंजे, ये क्या हजामत की दुकान लगा रखी है? फिर कुछ गई? अरे धोबी का लगा रखा है क्या? अरे लगे रहो, क्यों रहो, लगे रहो। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रही है? देख नहीं सकते, मैं कपड़े धो रही हूँ। मगर एक टाइल टूट जाएगी ना। टूटने दो, दूसरे लगा लेना। देखो मेरे कपड़े बहुत मैले हैं और मेरे पास दूसरे नहीं पहने। मैं क्या करूँ? कुछ मत करो। हाँ, इसके बाद मैं नहाऊंगी भी। इधर? मैं नहीं रहने दूंगा। तुम क्या रोकोगे? उसको नहीं रोक सके तो मुझे कैसे रोक सकते हो? अरे वो क्या, उसके बाप को भी रोकोगे? मैं ये काला काला क्या है? राजा राम, ये काली काली क्या चीज है? अरे देखिए सेठ जी, भैंस है। भैंस? भैंस तो तबेले में होती है, क्या कर रही है? नहाने के लिए आई है। तो क्या भैंस मेरे घर में नहाएगी? आप हर रोज इसका दूध पीते हैं, कभी कभी नहलाना मांगता है। दूध दूध नहीं पीता। चलो बातें करो। ये भैंस, चल। अरे चल तू बाहर निकल। ए शंकर, आ शंकर, मालिश कर जो है। शंकर, शंकर भाई, ये क्या खा रहे हो? अंगूर खा रहा हूँ। अरे तुम अंगूर खा रहे हो, मेरा खाया पिया बाहर आ रहा है। इन लंगूरों को बाहर निकालो ना। अरे दे दे, ये लंगूर नहीं होते तो तुम हुजूर कैसे बनते? ये तुम्हारे भाग्य विधाता हैं। इन्होंने तुम्हारे घर में रौनक बढ़ाई है और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक पानी, बिजली और सड़क का सिलसिला हमारे मोहल्ले में फिर से जारी ना हो जाए। आई 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 चोर कौन है? पुलिस को बुलाओ। पुलिस का मैं क्या करूंगा? प्रेस को बुला, प्रेस को। चलो चल। ये आपका बच्चा है? कितना प्यारा बच्चा, चलो निकलो बार। अंगूर खाया था कभी? बड़े चले आते हैं सारे फकीर। अरे कितना अच्छा आदमी है, फोटो उतारो तो। चल निकल। अशोक कहाँ है? साहब वो तो दिन रात वो तुलसी डब्बे वाली है ना, उसके साथ इशक मनाता है। मेरे को तो लगता है शादी बनाना लेगा वो उसके साथ। शादी करेगा डब्बे वाली के साथ? अब आए ना बात में नमक, जो लगा मजा आ गया। मैंने कह दिया ना तुझसे यार कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा। जो भी हुआ वो शादी से पहले नहीं होना चाहिए था। आओ दारा सेठ। वाह, बहुत खूबसूरत है। शादी करने का इरादा है क्या? शादी
और वो भी एक खाली डब्बे वाली से। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आप उनको तेरा स्टाइल बहुत पसंद है। तू तो क्या कर रही थी? आत्महत्या करना पाप है। जानती हूँ आत्महत्या करना पाप है, पर मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक मेरी मौत से मिट जाएगा। एक बिंदाई लड़की जो माँ बन चुकी है, उसे जीने का कोई हक नहीं। कसम है हम दोनों के बचपन की जो हमने एक साथ गुजारे हैं, तुझे बता इस बच्चे का बाप कौन है? बता। उसका कोई दोष नहीं, अशोक का कोई कसूर। अशोक? हे शंकर, दोष मेरा है। भूल गई थी मैं कि मैं गरीब हूं। एक गरीब को सपने देखने का अधिकार है, संजोने का नहीं। भूल गई थी मैं कि एक गरीब की सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत है, और वो इज्जत देकर भी अपना प्यार, अपने सपने कभी नहीं खरीद सकता। मेरी इज्जत पर जो दाग लगा है वो मेरी जिंदगी का ग्रहण है, ग्रहण है वो। नहीं तुझसे, अरे अरे कहते हैं तुलसी के दो पत्ते जिस चीज में डाल दो उसे ग्रहण नहीं लगता। तू तो खुद तुलसी है रे, तुझे ग्रहण नहीं लग सकता। तुझे कैसे ग्रहण लग सकता है? कभी नहीं लग सकता। अरे भाई, तुम और मेरे घर में? यकीन नहीं आ रहा मुझे। मेरे साथ चल। कहां? आज तेरी शादी तुलसी के साथ है। शादी? वो भी तुलसी के साथ? अरे मुझे शादी ही करनी होती तो ये क्या बुरी? तेरी शादी होगी वो भी तुलसी के साथ ही। मगर क्यों? तू जानता है क्यों? भाई, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी उसके साथ, वो खुद ही मेरी बाहों में आ गिरी, तो मैं क्या करता? मैंने भी देखा, खेला और फेंक दिया उसे। बस चलन, हमारे यहां तुलसी फेंकी नहीं जाती, उसकी पूजा की जाती है। चल। मां देख, भाई मुझे यहां जबरदस्ती ले आया है। चल बेटा, तुलसी से शादी कर ले, बहुत अच्छी लड़की है ये। ठीक है मां, तू कहती है तो मैं शादी कर लेता हूं, मगर हर मां अपने बेटे की शादी कराने से पहले कम से कम लड़की का खानदान, उसके मां बाप के बारे में पूछताछ करती है। ये किस खानदान से है, कौन है इसके मां बाप? तू इसके मां बाप से मिलना चाहता है? ये है तुलसी के मां बाप। जिसके ढेर सारी माए हों और ढेर सारे बाप, वो चीज कभी पवित्र नहीं होती। पवित्र है भाई, पवित्र है, उस मंदिर की तरह पवित्र है जिसको सब मिलकर बनाते हैं। तुलसी को भी इन सब लोगों ने मिलकर पाला है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं। अगर तुझे पसंद नहीं होती तो आज एक बिन ब्याही लड़की मां नहीं बनती। क्या सबूत है इसके पास कि ये बच्चा मेरा है? कोई सर्टिफिकेट है इसके पास? हाँ बेटा, तू ठीक कहता है, इसे तो जरूर पूछना चाहिए कि इसके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई सबूत है।
लेकिन इससे पहले तू बता, क्या तेरे पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई सबूत है कि तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन था? इसका सबूत सिर्फ मैं हूं। जब मैं कहती हूं कि मैं तेरी माँ हूं तो दुनिया मानती है कि हाँ तू मेरा बेटा है। इसी तरह तुलसी खुद सबूत है कि इसके बच्चे का बाप तू है। बेटा, एक औरत बच्चे को जन्म देती है बंद कमरे में, और जब वही बच्चा एक औरत की आबरू पर खुलेआम उंगली उठाता है तो उसकी सिर्फ उंगली ही नहीं, हाथ काट डालने चाहिए। माँ? मैं उसे माँ कहने का अधिकार नहीं दे सकती, जो पैदा होने से पहले ही अपने बच्चे से बाप कहने का अधिकार छीनना चाहता है। शंकर, अगर आज इसने तुलसी की लाज नहीं रखी तो मिटा दे इसे, ये मां का हुक्म है। अरे मैम साहब, ये आप मुझे कहां लगा रही हैं? शंकर, लगता है इस जन्म में तुम मुझे अनीता कहकर नहीं बुलाओगे। कितनी बार समझाना पड़ेगा, मैम साहब नहीं अनीता। जी हाँ, लेकिन हम लोग जा कहां रहे हैं? ये एक नई दुनिया है, यहाँ ना सूरज निकलने से दिन होता है और ना ढलने से रात। ये हमारी दुनिया है, हम जब चाहे दिन कर दें, जब चाहे रात। चलो। या आप मुझे कौन सी अंधेरी नगरी में ले आई हैं? ये अंधेरी नगरी नहीं, ज़ैनेडू है। आज की रंगीन शाम तुम्हारे नाम, तुम हो, मैं हूं, ये रात है और प्यार। Thank you.
से कब छू सका मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। इस अंधेरी रात में
मैं तुमसे रोशनी की भीख मांगने आई हूँ। मुझसे? मैं तुमसे शंकर की भीख मांगने आई हूँ। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम किसी से उसकी आंखों की जोत मांगने आई हो? तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम हमारी मोहब्बत की चिता जलाकर उसकी रोशनी से अपने घर में उजाला करना चाहती हो? घर में नहीं बल्कि जमाने भर में उजाला करना चाहती हूँ। शंकर वो आवाज है जो दुनिया में इनकलाब ला सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहती वो आवाज यहाँ घुट कर रह जाए। शंकर वो आग है जो समाज की बुराइयां जलाकर खत्म कर सकता है। मैं नहीं चाहती वो आग गरीबी की राख तले दबकर दफन हो जाए। शंकर मोहब्बत का वो एहसास है जो फैले तो जमाना और सिमटे तो यहाँ कैद होकर रह जाए, जो मेरी मोहब्बत नहीं चाहती। तुम बोलो, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी मोहब्बत क्या चाहती है? कि तुम शंकर पर राज करो या शंकर जमाने भर पर राज करे? कौन ये नहीं चाहेगा कि जो दिल पर राज करे वो जमाने पर भी राज करे? सिर्फ तुम्हारे चाहने से क्या होगा? क्या होगा तुम्हारे चाहने से? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी चाहत से ज्यादा उसे मेरी मदद, मेरी मोहब्बत की जरूरत है। भूल जाओ उसे, भले ही उसकी आवाज यहां घुट कर रह जाए, मगर मैं ये नहीं चाहती कि वो अमीरों की जी हुजूरी करे। भले ही उसे गरीबी जलाकर राख कर दे, मगर मैं ये नहीं चाहती कि वो अमीरों की आतिशदान में जले और अमीर अपने हाथ से के। भले ही वो इस कमरे में कैद होकर रह जाए, मगर मैं ये नहीं चाहती कि तुम उसे सोने की पिंजरे में कैद करके अपनी महफिलों में उसकी नुमाइश लगाओ। तुम लोगों को अगर अपनी अमीरी का खुमार है तो हमें भी अपनी गरीबी का नशा है। अनीता जी, 1000 बरस गरीब जुल्म सहता है, तब कहीं जाकर किसी झोपड़े में ऐसा एक शंकर जन्म लेता है जो गरीबों के आंसू पोंछता है। तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमारा यही एक है, इसे हमारे पास यही रहने दो। हमें इसकी बहुत जरूरत है। मैं तुमसे रोशनी मांगने आई थी। शंकर के नाम से टपके हुए सांसों की चमक ने मेरे दिल को रोशन कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम मुनीम चाचा। इतनी ठंडक तो नहीं जो कंबल ओढ़े बैठे हो? नए नए रंगरूट भर्ती कर लिए? चलो जल्दी से ट्रक भर दो, ये रहा तुम्हारा चालान। और ये रहा तेरे चालान पे दस्तखत। क्या अच्छा किया जो तुमने चाकू से लकड़ी का शब मिटा दिया। अब मैं इस ट्रक में तुम लोगों की लाशें भर कर ले जाऊंगा। मरने से पहले आदमी चिल्लाता चीखता ना, अपन उसका बिल्कुल बुरा नहीं मानता। शादी अशोक की हुई मगर अर्थी अब तेरी निकलेगी। आके फेरे उसने लगाए मगर अब चिता तेरी चलेगी। अशोक तेरा भाई तेरी चिता में आग लगाने को बिल्कुल तैयार बैठे रहे। क्या सबसे जलील और कमीने आदमी वो होते हैं जो खून को खून का दुश्मन बना देते हैं। Thank you.
के लाश के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि रोने वाला ये भी समझ नहीं पाएगा कि किस टुकड़े को पकड़ कर रोए। शुरू कर दो मशीन। मेरे मौला, कब तक गुस्सा न उन पर आएगा? जालिमों पर रहम आखिर कब तक फरमाएगा? कब तक होते रहेंगे बेकसों पर जुल्म और सितम? कब तक ये खूनी मंजर वस्तु देखे जाएगा? तुमने मेरे भाई पे हमला क्यों किया? भाई, आपने तो समझा था कि तुम ये रिश्ता तोड़ चुका है। रिश्ता मेरा है, इसे तोड़ूं या रखूं ये मेरा जाती मामला है। उसने तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराकर अपनी दुश्मनी निकाली। शादी उसने मेरी कराई है, दुश्मनी अगर है तो मेरी है उसके साथ। तुम्हारी क्या दुश्मनी है उसके साथ? तुम कौन होते हो दो भाइयों के बीच में आने वाले? आपन कौन होता है? देश गरीबों का देश है और मैं गरीबों का नेता हूं। गरीब जब अपने झोपड़े में नहीं सोता है तो मैं यहां वीडियो पर फिल्म देखते हैं गरीब लोगों की सही मालूमात करने के लिए। हाँ, गरीब जब अपने झोपड़े में अपनी फटी हुई चटाई पर करवटें लेता है तो मैं यहां अपनी जमीन पर ठिठरता हुआ पड़ा रहता हूं एयर कंडीशन कमरे में अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए। जिस दिन गरीब खाना नहीं खाता है, ये बात जरा मोटे मोटे शब्दों में लिखना भाई, जिस दिन गरीब खाना नहीं खाता है उस दिन मैं एक निवाला नहीं खाता। अबे ये खट्टी खट्टी डकारे क्यों आ रही हैं? अरे ये बदबूदार डकारे बदहजमी की हैं। याद नहीं रात को दो पतीले चिकन बिरयानी के दबा गए थे पार्टी में? व्हाट, चिकन बिरयानी? नहीं नहीं नहीं, वो दो पतीले चिकन बिरयानी क्या है कि रात में उल्लू का पट्टा अकेले खा गया था तो इसकी हमदर्दी मुझे डकारे आ रही है। बदहजमी मुझको होती है और खट्टी डकारे सरकार को आती है। जब पूरी कौम को बदहजमी हो जाती है तो उनके बदले डकारे मैं लिया करता हूँ। सरकार वो कुछ वो गरीब गरीब आहिस्ते आहिस्ते कार्बोरेटर में कचरा आ गया, सीधे बोलना क्या बोलना चाहते हैं। गरीब लोग आपसे मिले? किसने इन्होंने बुलाया था? सर मैंने बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। हो जाएगा ये तो लाइव शो हो जाएगा। क्या लाइव शो? गरीब बहुत अच्छा है, गरीब लोग आए तो लाइव शो हो जाएगा। तो बाद में तुमको बताता हूँ मैं। आइए ना, आप लोग भी आइए, देखिए लाइव शो कैसे होता है। मैं गरीबों का नेता हूँ। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों के सुना वो तुम्हारी सुनेगा। क्या ये सब? माई मिठाई लाई हूँ बेटा, कल बिट्टू की शादी है ना, बारात आने वाली है। आपकी बेटी हुई तो हमारी बहन हुई ना, कुछ हमारे लायक काम बोलिए, धूमधाम से करेंगे। नहीं बेटा नहीं, 20 बरस से इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ कि बिट्टू की शादी होगी तो सारा काम अपने हाथों से करूंगी। उसको मेहंदी लगाऊंगी, उसके साथ सिंगार करूंगी और अपने ही हाथों से उसको विदा करके फिर रोऊंगी। अच्छा बेटा चलती हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं, बहुत सारे काम। अच्छा आना जरूर। हाँ माई, माई, माई। बहुत काम है बेटा, बहुत काम है।
तेरा मेरा रिश्ता है बेटा, गरीबी का, दुख दर्द का। जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी चिता को आग तू ही देना, तू ही देना बेटा। शंकर भैया, वो जो हम एमएलए साहब के लड़के को पुलिस स्टेशन में छोड़ के आए थे ना, वो तो अपने घर में बैठा जश्न मना रहा है, और उसकी जगह एमएलए साहब ने अपने ड्राइवर को पुलिस स्टेशन में भेज दिया है कि एक्सीडेंट उसने किया है, और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। डरता क्या है अभी, तेरा बाप अभी जिंदा है। राय बहादुर साहब, माफ कीजिएगा, मैं बिन बुलाया चला आया। तुम तो जानते हो कि मैं बिन बुलाए लोगों के साथ भी इज्जत से पेश आता हूं। मुझे इज्जत नहीं, इंसाफ चाहिए। इंसाफ? किस बात का इंसाफ? एक बूढ़ी बेबस लाचार औरत को आपके बेटे ने रास्ते पर कुचल कर रख दिया और मुड़कर भी नहीं देखा, और साहब वो मर गई। सिर्फ वो नहीं मरी, उसके साथ साथ वो सपना भी मर गया जो वो 20 साल से देखती आ रही थी, कि अपनी बेटी को दुल्हन बनाएगी। मर गई उस दुल्हन की सारी खुशियां जिसके दरवाजे पर बारात आने वाली थी, मगर आई मां की अर्थी। यार शंकर, तुम तो राय का पहाड़ बना रहे हो, वो तो महज एक एक्सीडेंट था जो बंबई की सड़कों पर हर रोज हुआ करता है। आपने एक गरीब की गरीबी खरीद कर जेल के अंधेरों में फेंकवा दिया, क्या वो एक महज एक्सीडेंट था? मैंने वही किया जो एक बाप को अपने बेटे के लिए करना चाहिए, लेकिन तुम उस लावारिस औरत के तरफदार क्यों बन गए? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? जब मैं आपकी बेटी को बचा कर लाया था, उस वक्त आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि आपकी बेटी का मुझसे क्या रिश्ता है? खामोश वो रहेंगे जो जुल्म ढाते हैं साहिब, जुल्म के खिलाफ मैं ही क्या, मूल्य का बच्चा बच्चा इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा, और वो आवाज कानून की चौखट से टकरा टकरा कर वापिस आ जाएगी, मगर तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें इंसाफ, क्योंकि दौलत की मंडी में कानून हमारे इशारों पर कठपुतली की तरह नाचता है, और इंसाफ हम करते हैं। हम अगर चाहे तो अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों की सांसों पर पहरा बिठा दें। सांसों पर पहरा बिठा दो या गर्दन काट दो, लेकिन एक बात याद रखना राय बहादुर साहिब, जो आवाज भूखे पेट से निकलती है वो इनकलाब लाती है, तब तुम जैसे भगवानों की किस्मत गरीब पांव की ठोकरों से करते हैं। अगर आप भी तुम्हें गरीब की ताकत का अंदाजा नहीं तो जाओ, दुनिया में जितने महल बने उनकी खंडरों की एक एक ईंट से पूछो कि तुम्हें बनाने वाला कौन और मिटाने वाला कौन, तो ईंट से एक ही आवाज आएगी कि बनाने वाला भी एक गरीब था जिसने अपनी पीठ पर ढोकर उसे बनाया, और मिटाने वाला भी एक गरीब था जिसने अपनी छाती से तोड़कर उसे मिटा दिया। यह धमकी नहीं है राय बहादुर साहिब, यह सच्चाई है। खबरदार, किसी ने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। आज हमारे कदम जो इंसाफ मांगने के लिए उठे हैं, आज इंसाफ पाकर ही वापस लौटेंगे। इससे पहले कि तुम लोगों की लाशों और खून से ये जमीन रंग जाए, दबाओ जाए यहां से। उस बूढ़ी औरत की लाश पर उसकी सुहागन बेटी ने जितने आंसू टपकाए, समझ लो उसकी हर बूंद ने बगावत कर दी है। हट जाओ सामने से, वरना यह सैलाब तुम सब लोगों को रौनता हुआ निकल जाएगा। बम से उड़ा दो सबको। अब आए ना बात में नमक, जाओ। शंकर,
लो कैसेट, इसमें उस बाप की आवाज बंद है जिसके बेटे ने एक बुरी औरत को कुचल दिया था। ये कैसेट तुम्हें अदालत में इंसाफ दिलाएगी। अदालत इंडियन पैनल कोड की धारा 302(1) के तहत टप्पू को 6 महीने की सजाए बामुशक्कत देती है। पापा, पापा मुझे यहां से ले जाओ, मैं यहां जी नहीं सकता पापा। मुझे इंजेक्शन चाहिए, मुझे इंजेक्शन। एमएलए साहब, आपके बेटे ने जेल में अपने ही कपड़ों का फंदा बना के खुदकुशी कर ली सर। कहीं किसी अब्दुल का खून बहे, समझ लेना कि धरती सुहागन बनी। और जान ले शंकर कि जीत तेरी होगी। शंकर बेटे, तेरे घर में मेरे खानदान की एक अमानत है। यह हथियार तेरी जंग में तेरा साथी होगा। नस्र मिन अल्लाह व फतहुन। हमारे अब्दुल चाचा हम सब को छोड़कर चले गए। मैं जानता हूं भाई, मैं सब जानता हूं। अपने आप को संभालो। देखो शंकर भैया, तुम ये मोहल्ला छोड़ दो। क्यों? तुम शायद जानते नहीं भाई, दरअसल दुश्मनों का निशाना तुम थे। तुम भाई मां के साथ ये मोहल्ला छोड़ दो। आप उन्हें जानते नहीं भाई, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। और आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ भाई, आज मुझे इस बात की खुशी है कि तुझे मेरी जान की परवाह तो है। आखिर भाई है ना, अब मेरी जान भी चली जाए ना, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन तेरे लिए खुशी की बात है, तू बहुत जल्द बाप बनने वाला है। अपना ख्याल रखना। पुलिस की तुम परवाह मत करो तारा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। कल शंकर की चिता की आग से तुम उस मोहल्ले को जलाकर खाक कर देना,
पुलिस वहां नहीं पहुंचेगी। आओ मुन्ना, अब उनको तेरा ही इंतजार था। ये लो, खोलो इसे। इसमें 6 गोलियां हैं और 6 के 6 गोलियां तो अपने हाथ से अपने भाई के सीने में उतारेंगे। क्या? शंकर भैया के सीने में। देखा है एमएलए साहब, आप उनका तोता मिर्ची नहीं खाता। मान दो साले को। अरे बताना पड़ेगा यार, नहीं तो आग लगा डालेगा उसका। बहुत खतरनाक है, चल के यार। पूरे आग लगे जा रहा तो है ही गुंडा। अरे भी तो बात करते हैं। अरे यार और क्या, हम लोग अपने खानदान को नहीं देखना है क्या? शंकर भैया, शंकर बेटा, शंकर यह मोहल्ला छोड़ दो। अभी तो सिर्फ तेरा गैरेज जला है। दारा एमएलए साहब ने धमकी दी है कि अगर तुम ये मोहल्ला नहीं छोड़ोगे तो सारे मोहल्ले को आग लगा देंगे। अभी आपने कहा ना चाचा कि तेरा तो सिर्फ गैरेज जला है, तेरा कहा ना आपने? चाचा जब तक हम लोग ये तेरा और मेरा में एक दूसरे को बांटते रहेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार तब होगा जब हम हमारा कहना सीख जाएंगे। दारा और उसके आदमियों के सामने हाथ यूं नहीं यूं जोड़कर अपने मोहल्ले के चौराहे पे खड़े हो जाएं तो दारा को इस मोहल्ले की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। हां चाचा, आप मेरे साथ खड़े होंगे ना? तुम चाचा तुम तो मेरे साथ होगे ना? कादर मियां आप तो मेरे साथ। बेटा जा, आज तुझे जाना ही होगा। ये जंग तुझे लड़नी ही पड़ेगी। मां का आशीर्वाद तेरे साथ है।
अशोक बेटे। माँ, ये तेरा बेटा है। माँ देख, माँ तेरा अशोक वापस आ गया। माँ उठाओ, फेंक दो बंदूक। चलो शंकर बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो वरना इन दोनों को भून के रख दूंगा। अब आया ना बात में नमक। आगे आजा बेटा, आगे आजा। अशोक रुक जा भाई, तुझे मेरी कसम रुक जा। हमेशा हमेशा तू मेरे पास आए मुझे समझा ले। आज 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 उछाले थे तेरे पास, उछाले थे तुझे। अरे ऐसा नहीं बोलते रे भाई, मुझे मरते हैं मगर मौत की आवाज नहीं सुन पाते। ये वही डंडा है जो बदन पर पड़ता है तो चमड़ी नहीं फटती लेकिन दर्द हड्डियों तक घुस जाता है। साहब, साहब, नहीं,
मेम साहब, मेम साहब, ये क्या कर दिया आपने? मेम साहब नहीं, अनीता। तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला गोली, चला। एक के मर जाने से अब यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरा दे मेरी लाश, मगर शंकर की मौत नहीं होगी, क्योंकि यह जमीन का टुकड़ा अब आजाद हो चुका है। इस मोहल्ले का हर कोई शंकर बन चुका है, अब यह जुल्म नहीं सहेंगे। चला गोली। अकेला ही चला था अपनी मंजिल की तरफ, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। खून दिल से हमने लिखी अमन की यूं दास्तां, जिंदगी का शानदार एक गुलशितां बनता गया। हाथ में मेहंदी पांव महावर माथे पर बिंदिया, तुमसे प्यार हो गया। बचपन में ना आई जवानी, कुछ ना कह पाई, आते आते होटों पर ये बात है अब आई है, दिल बेकरार हो गया, हमको तुमसे प्यार। तक के